Hello students, hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. तो बच्चों इसमें जो है पोएट ने कंट्रास्ट किया है दो सिचुएशंस को कि टाइगर जो है एक तो जू में और दूसरा कहाँ पे है नेचुरल हैबिटेट में. अब यहाँ पे बताया कि जब हम जू में किस लिए रखते हैं अपने प्लेजर के लिए रखते हैं राइट और किस तरह से अगर हमें अगर कोई कमरे के अंदर बंद कर दे 24 आवर्स के लिए और अपने जैसे मैं हूँ अगर मैंने कोई जानवर पाला है तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको जो है ट्रीट करती हूँ उसके साथ. तो ऐसे ही अगर हमें कोई 24 आवर्स किसी कमरे में बंद कर दे और हमें जो है अपने अकॉर्डिंग जो है काम करने के लिए दे तो हम क्या होते हैं इरिटेट हो जाते हैं. सिमिलरली अगर हम किसी भी जानवर को जो है हम कैद करके रखते हैं या केज में रखते हैं तो क्या वो खुश होगा? नहीं. तो इसी को जो है पोएट ने जो है ब्यूटीफुली जो है इसमें कंट्रास्ट किया है ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. तो इस पोएम में जो है अलग अलग स्टैंजर्स हैं और अलग अलग स्टैंजर्स में आपको अपने आप देखना है कि कहाँ पे जो है पोएट किसके बारे में बात कर रहा है कि टाइगर जू में है या टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है. तो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम पोएम को पढ़ेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये आपकी जो है पोएम है टाइगर इन द जू फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट है एंड दिस इज योर थर्ड पोएम. इससे पहले हम जो है डस्ट ऑफ पार्टिकल्स और फायर एंड आइस जो है दो पोएम हम कर चुके हैं जो किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. दिस इज योर थर्ड पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. लेस्ली नॉरिस राइट. तो इसमें जो है पोएट ने जो है अभी हम ऑथर या पोएट के बारे में जो है पढ़ते हैं. जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वॉज बॉर्न ऑन. तो उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 21 मई 1921 इन साउथ वेल्स. हिज फादर जॉर्ज वर्क्ड एज अ माइनर बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब फर्स्ट वर्ल्ड पहले जो है एज अ माइनर जो है उन्होंने नौकरी करी थी उसके बाद जो है वो क्या बने थे? मिल्कमैन. Because of his declining health, क्योंकि उनके health में जो है काफी क्योंकि mine में काम करते थे माइनर थे वो तो उसके बाद जो है उन्होंने जैसे जैसे उनकी जो है health जो है थोड़ी सी decline कर रही थी तो उन्होंने जो है क्या काम शुरू कर दिया था? milkman का. He published his first poem और उन्होंने अपनी first poem जो है publish करी थी in 1938 at the age of 17. When he was only 17 years old, he published his first poem in 1938. When he was 19 years old, और जब वो 19 साल के होंगे तो देखा आप कितने स्ट्रगल कराए उन्होंने. क्लियर. तो उनके फादर क्या थे पहले? His father George worked as a miner, but after first war became a milkman because of his declining health. और जो है इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट जो है पोएम जो है 17 इयर्स के जब थे देन ही पब्लिश्ड. और जब 19 इयर्स के थे जब 19 साल के हुए तो ही ज्वाइन द रॉयल एयरफोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है उन्होंने रॉयल एयरफोर्स जो है ज्वाइन करी थी. हिज वर्क हैव वन न्यूमरस अवार्ड्स. और जो भी उन्होंने वर्क करा था उसके लिए उन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे. दिस इज ऑल अबाउट द पोएट लेस्ले नॉरिस. अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट जो है स्टैंजा है. अब जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कहाँ पे है तो आपको पिक्चर के थ्रू पता चल रहा है कि ये क्या है? एक केज के अंदर है राइट. ही इज नॉट हिज नेचुरल हैबिटेट. अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. यहाँ पे हमने क्यों इसको कैद करा है? जस्ट फॉर आ प्लेजर. अपनी खुशी के लिए जो है हमने इसको यहाँ पे कैद कराया. जब विजिटर्स आएंगे यहाँ पे इसको देखेंगे तो हमने ये नहीं देखा कि उसको जो है हम कैद करके उसकी जो स्ट्रेंथ को जो है हम कैद कर रहे हैं. जो फ्रीली जो एक उसका हैबिटेट है. क्या है उसका हैबिटेट? टाइगर का जंगल फॉरेस्ट
क्लियर। तो यहाँ पे पोएट ने जो है टू कंट्रास्ट लिए हैं, तो टू कंट्रास्ट कौन से हैं, अ टाइगर इन द जू और नेक्स्ट इज योर सेकंड क्या है, ए टाइगर इन द इन हिज नेचुरल हैबिटेट, और नेचुरल हैबिटेट इज जंगल। तो वो क्या करता है, ये जो है हम अभी जो है पोएम के थ्रू देखेंगे कि पोएट ने क्या कंट्रास्ट किया है। तो लेट्स जो है यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, तो यहाँ पे जो लिखा है उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दोनों को कंपेयर करा है कि कहाँ पे कोई खुश है। अगर आपको किसी जो है किसी कमरे के अंदर रख देंगे एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तो आप वहां खुश होंगे, या अपने घर पे हैं जहां आपको जो है बिल्कुल फ्रीडम मिली है, कोई भी काम कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो कहां बच्चों आप खुश होंगे, अपने घर पे खुश होंगे, या अगर आपको जो है लॉक करके रख दिया जाए, एक सपोज एक रूम में रख देते हैं या प्रिजन में रख देते हैं, तो कहां आपको खुशी मिलेगी, ऑब्वियस है अपने घर में। तो सिमिलरली जो है टाइगर का घर क्या है, हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, तो वो कहाँ खुश होगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ पे वो फ्रीली मूव कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, अपना शिकार ले सकता है, प्रे कर सकता है एट एनी टाइम, किसी भी समय। और यहाँ पे क्या है कि सारी बाउंडेशन है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, तो पोएम जो हमारी स्टार्ट हो रही है राइट, तो पोएम कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द जू, तो पोएम मूव्स फ्रॉम यहां से शुरू हो रही है, नेक्स्ट टू जंगल एंड अगेन बैक टू जू राइट। तो पहले जो है पोएम कहां से मूव हो रही है, मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल एंड जंगल टू अगेन बैक टू जू। तो इस तरह से जो है यहां पे बताया गया है, read the poem silently once and see which strangers speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। तो इसमें आपको अपने आप जो है पता करना है कि कहाँ पे जो है poet जो है tiger जो है zoo में है इधर, और या फिर वो जंगल में है। तो ये आपको जो है जब हम poem read करेंगे तो then it will be clear। Okay, now let's start the first stranger। He stalks in his vivid stripes। अब आप लोगों ने अगर टाइगर देखा है राइट, कई लोगों ने तो जो है जू में देखा होगा, कई लोगों ने मे भी अगर कहीं भी मौका मिला होगा आप लोगों को देखने का टाइगर, तो उसके क्या है या पिक्चर में देखा होगा, तो उसके क्या होते हैं ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं राइट। तो यहाँ पे जो है विविड स्ट्राइप्स जो है उसके अलग अलग चमकीले जो स्ट्राइप्स हैं, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस on pads of velvet quiet in his quiet trees। अब क्या है बच्चों, अगर उसको कैद करके रखा है तो वो गुस्सा कैसे दिखाएगा, शांत रह के, रेज मीन्स गुस्सा, तो शांत रह के जो है वो अपना गुस्सा दिखाएगा टाइगर, क्योंकि वो क्या है अपनी स्ट्रेंथ के जो है उसको हमने लिमिटेड कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ को हमने रोक दिया है किसमें, पिंजरे के अंदर राइट। तो यहाँ पे पोएट ने जो है यही बताया गया है कि जो चमकीला जो विविड स्ट्राइप्स जो हैं उसके जो ब्लैक जो हैं धारी हैं वो क्या करता है, फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केस। अब जितना हमारे क्या है लिमिटेड एरिया है, केस में क्या है लिमिटेड एरिया है टाइगर के, तो कितने फ्यू स्टेप्स वो चलता है, और फिर क्या होता है ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और आप लोगों ने देखा होगा जो टाइगर होते हैं या आपने बिल्ली को भी देखा होगा तो उसके क्या होते हैं पैडेड फीट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे उसको कंपेयर करा है किससे, पैट से, वेलवेट क्वाइट, तो उनके जो पंजो हैं, जो पंजे होते हैं उसको जो है वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट ट्रेज। अब गुस्सा आ रहा है उसे क्योंकि उसको जो है कैद करके रखा है, बट फिर भी वो क्या है शांत है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो है हमने स्ट्रेंथ, उसकी पावर को हमने जो है छीन लिया है, और उसको हमने किसमें पिंजरे में जो है केज में जो है उसको कैद रखा है। अब वो जो है धीरे धीरे जो है उसमें मूव करता है, कुछ कदम खामोश मखमल की तरह जो है वो धीरे धीरे चलता है, बट फिर भी गुस्सा नहीं कर सकता, गुस्सा आ रहा है बट स्टिल जो है वो क्या है क्वाइट है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो स्टॉक मीनिंग हम लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चों,
So first is your stock. So stock means to walk in proud. To walk in proud. Clear? Vivid means lively. Yes means behind bar. जो मेन है वो लिखेंगे हम यहाँ पे. सेकेंड इज रेज. एंग्री. या फरी, गुस्सा, क्रोधित करना, क्रोध आना. ठीक है. स्टॉक्स रेस. तो यहाँ पे जिस तरह से जो है पोएट ने जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि हम जो है अपने प्लेजर के लिए जो है इनको जो है कोई भी एनिमल हो. यहाँ पे जो है टाइगर की बात करी है पोएट ने, लेस्ले नॉरिस ने. तो आप लोग जो है क्योंकि 10th क्लास है, आप साथ साथ जो भी पोएम हम करते हैं उसके जो है क्या करेंगे, आप पोएट के जो है नाम साथ साथ जो है साइड बाई साइड याद करते रहे, जिससे आपको फर्दर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो यहाँ पे जो है हमने के, क्योंकि ये वाली पोएम जो है कौन से वाले चैप्टर के बात है बच्चों, नेल्सन मंडेला की. तो एक बात तो है यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कौन, पोएट के जो नेल्सन मंडेला है उनके जो अफ्रीका के जो लोग थे, पीपल थे उनके सोहेल के, किस तरह से वो भी जो है उनको भी फ्रीडम नहीं मिली थी. क्लियर. और कितने साल बाद जो है ब्रिटिश जो है व्हाइट रूल वहां पे था, और फर्स्ट टाइम जो है नेल्सन मंडेला जो कितना स्ट्रगल करने के बाद जो है उनको फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला जो है वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मिले थे. तो वहां पे जो है फ्रीडम जो है किस तरह से उन्होंने ली थी, कितना स्ट्रगल करने के बाद करी थी. सेम जो है एनिमल्स को भी जो है अपनी फ्रीडम चाहिए, और हम उनको जो है कैद करके रखते हैं अगर उनको अभी, क्योंकि वो बोल नहीं सकते. हम लोगों ने क्या करा, ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, अफ्रीकन्स ने क्या करा, या इंडिया में जब हमें फ्रीडम मिली थी तो हमने क्या करा था, स्ट्रगल करा था, हमने आवाज उठाई थी. बट क्या एनिमल्स उठा सकते हैं? नहीं. तो हमें ये पोजीशन देखनी चाहिए कि जो जानवर है वो बोल नहीं सकते, उनको हम कैद करते हैं अपने, तो इतना हमें क्रूर नहीं होना चाहिए उनके प्रति. जो उनको भगवान ने जो है नेचुरल हैबिटेट दिया है तो उनको उसी में जो है रहने देना चाहिए. तो यहाँ उन्होंने बताने की कोशिश करी है, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है उसके बाद जो है ये पोयम दी है ए टाइगर इन द ज़ू, कि किस तरह से जो है हम अगर अपने को इस पोजीशन में रखते हैं तो क्या होता है, क्या फील करते हैं हम. क्लियर. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. हियर द पोएट लेस्ले नॉरिस सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द ज़ू moves around in the cage under his bright colored skin. अब सबने देखा होगा बहुत खूबसूरत होता है टाइगर की येलो कलर की उसकी जो गोल्डन कलर की जो है स्किन होती है, और उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के जो स्ट्राइप्स होते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है. तो हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज कन्फाइंड इन द ज़ू मूव्स अराउंड इन द केज अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन. एक जो है लिमिटेड एरिया है उसके पास मूव करने के लिए. ही फर्दर सेज That the tiger can take only a few steps. अब उन्होंने क्या बोला लेस्ले नॉरिस ने, कि वो कितने स्टेप्स ले सकता है, जितना उसका एरिया है, जितना उसका केज है, only few steps. तो नॉरिस, लेस्ले नॉरिस फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल. क्योंकि केज क्या है, स्मॉल है, और वो जो नेचुरल हैबिटेट क्या है, पूरा फॉरेस्ट है, राइट. And it is not easy to move in it. अब जो है या कोई जानवर है इतने बड़े एरिया का जो है मूव करता है, कहीं भी जाता है, और अपना जो है प्रे जो है किस तरह से जो है वो किसी भी समय जो है ले सकता है, बट यहाँ पे जो है उसके पास लिमिटेड एरिया है मूव करने के लिए, जो है उसके पास जो है सीमित जो है एरिया है उसमें जो है इट इज नॉट ईजी टू मूव इन इट. इतना बड़ा जानवर है और इतने से एरिया में हमने उसको रखा है. वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स. और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट, कि जो उसके वेलवेट फीट हैं वो आवाज भी नहीं कर पाते क्योंकि लिमिटेड एरिया है, कोई सुन भी नहीं सकता कि यहाँ पे जो है टाइगर मूव कर रहा है. तो वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज वेरी सॉफ्ट फीट. और किससे कंपेयर कर रहा है, वेलवेट से, मखमली.
because of which there is no sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cave. अब यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि टाइगर जो है बहुत कोशिश करता है कि अपने गुस्से को जो है वो कंट्रोल करे और दैट इज व्हाई ही मूव्स क्वाइटली, इसलिए वो जो है चुपचाप चलता है इन द लिमिटेड एरिया ऑफ द केस, क्योंकि केस का एरिया क्या है, लिमिटेड है. अब गुस्सा आ रहा है बट ही कंट्रोल इट, उसको कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, बाय क्वाइटली मूविंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केस, कि जो जितना भी एरिया है चुपचाप जो है उसमें वॉक करता है, कि वो भी समझ गया है कि गुस्सा अगर वहां करेगा तो क्या फायदा, यूजलेस है, तो वो क्या करता है चुपचाप वहां पे वॉक करता है. और क्योंकि उसके जो फीट हैं कैसे हैं, वो वेलवेट के सॉफ्ट हैं, तो आवाज कोई नहीं आती, इसलिए किसी को पता नहीं चलता, देयर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुटस्टेप. क्लियर? वो अपने कंट्रोल करना चाहता है, गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. ही इज एंग्री. और क्यों गुस्सा कर रहा है? क्योंकि उसे नेचुरल हैबिटेट चाहिए, बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं है, उसको हमने कैद कर रखा है, केज में रखा है जहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं है. तो ही इज एंग्री. क्यों गुस्सा है? बिकॉज ही इज नॉट फ्री. क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स फ्रीडम. उसे जो है फ्रीडम चाहिए, बाहर चाहिए, नेचुरल हैबिटेट चाहिए. तो बच्चों ये जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जू की बात कर रहे हैं, केस के अंदर है. कहाँ पे है? केस में. तो फर्स्ट पैरा जो है पोएट ने कहाँ बताया, उसकी कंडीशंस कहाँ पे हैं, कहाँ की बात करी है, केस की. यहाँ पे जो है उसकी स्ट्रेंथ को जो है लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लिमिटेड एरिया टू वॉक है. क्लियर? तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है किस तरह से शांत रह के जो है वो अपने गुस्से को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है. और उसको गुस्सा जो है सिंपली क्यों आ रहा है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, ही इज नॉट फ्री. तो यहाँ पे जो है ही वर्ड यूज करा हुआ हमने किसके लिए, टाइगर के लिए. तो टाइगर तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है, पोएटिक डिवाइस भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे. तो कौन सा यूज है, ही स्टॉक्स, क्योंकि ही वर्ड इज यूज फॉर किसके लिए, हम यूज करते हैं ह्यूमन, राइट. तो यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूशन है, टाइगर को जो है पर्सोनिफाइड किया है ही से, ही जो वर्ड यूज हुआ है टाइगर के लिए, दैट इज वाई यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन. सेकंड क्या है इस पैराग्राफ में, कि उसके जो पैट्स हैं, फीट जो हैं, उनकी तुलना किससे करी है, वेलवेट से. तो यहाँ पे कंपैरिजन करा हुआ है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, दैट इज वाई ये वाली लाइन जो है हमें क्या बताती है, मेटाफर, राइट. दूसरे क्या हमारा सिमली होती है, सिमली में भी हम कंपेयर करते हैं बट एज और लाइक वर्ड यूज करके, तो वो होता है सिमली. बट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं पैट की वेलवेट से, तो यहाँ पे जो है मेटाफर जो है पोएटिक डिवाइस इज यूज. नाउ दिस इज योर सेकेंड स्टेंजा. फर्स्ट स्टैंडर्ड आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे देखें कि टाइगर, टाइगर जैसे क्या है यहाँ पे, लर्किंग. लर्किंग का मीनिंग क्या होता है, हिडन, छुपना. तो वो क्या होता है कि क्योंकि उसके स्ट्राइप्स रहते हैं, और तो वो कहाँ पे लर्किंग करता है, लर्किंग क्यों करता है, अपने प्रे के लिए, अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए. क्लियर? तो यहाँ पे जो है व्हाट डू यू मीन बाय लर्किंग, हिडन टू प्रॉन, मतलब घात लगा के बैठना. Lurking. Hidden to prowl. शिकार के लिए जैसे बैठते हैं छुप के, तो उस तरह से जो है that means lurking means hidden to prowl. घात लगा के बैठना. स्लाइडिंग, नेक्स्ट वर्ड इज योर स्लाइडिंग, मीन स्लोली, धीरे धीरे. नेक्स्ट इज प्लम. प्लम माने फ्लैशी, मोटा.
should be lurking in shadow. अब यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं ही अगेन ही वर्ड इज यूज्ड. तो ही किसके लिए पर्सोनिफिकेशन है, ही इज यूज्ड फॉर टाइगर. लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. अब अगर वो जो है यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो टाइगर की बात हो रही है वो किसके कहाँ पे हो रही है, जंगल में हो रही है, हिज नेचुरल हैबिटेट, राइट. और पहला वाला कहा था कि उसके पास लिमिटेड एरिया था टू वॉक, लिमिटेड स्ट्रेंथ थी, राइट. तो वो वाली कहाँ पे था, वो जू के अंदर था, राइट, केज के अंदर था, पिंजरे के अंदर था. बट यहाँ पे जो है किस तरह से जो है पोएट ने बताया, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. शेडो मीन्स परछाई में जो है किस तरह से जो है वो छिप रहा है, हिडन टू प्रॉल अपने प्रे के लिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग लॉन्ग ग्रास मीन्स धीरे धीरे जो है घास के पीछे छिपता हुआ जो है. नियर द वॉटर होल, पास में क्या है, पानी का जो है होल है जहाँ पे जो है प्लम डियर जो है मे भी पानी पीने आए और वो जो है सीधे उसके ऊपर क्या करे, किस लिए छिपा हुआ था, टू प्रॉल, मतलब कि कोई भी जानवर वहां पे आए. इवन यहाँ पे जो है किसकी बात करी है, डियर, हिरन की बात करी है कि प्लम मीन्स मोटा सा जो कोई हिरन आए और उसको जो है वो अटैक करे. तो ये जो है उसका क्या है, अपना नेचुरल हैबिटेट है, राइट, कि कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी छिप सकता है अपने प्रे को खाने के लिए. और धीरे धीरे जो है कैसे मूव करके जो है वाटर होल जहाँ होल जहाँ पे पानी जो है इकट्ठा है या पानी पीने के लिए कोई प्लम मोटा जो है हिरन आए और वो किस तरह से उसके ऊपर अटैक करे. तो ये जो है यहाँ पे फ्रीडम की बात करी है कि किस तरह से वो क्या है अपने नेचुरल हैबिटेट. तो यहाँ पे जो बात है तो अपने आप को क्लियर, अपने आप जो है आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे क्या है नेचुरल हैबिटेट की बात हुई है टाइगर के, नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल, राइट. तो हियर इज एक्सप्लेनेशन दैट पोएट सेज दैट इफ दिस टाइगर वाज फ्री. अगर क्योंकि फर्स्ट स्टेंजर में क्या है बच्चों, किस छिपाती है, जू के अंदर है, केज में है वो, अगर उसको जो है पोएट कह रहे छोड़ दिया जाता है, फ्री कर दे उसको, ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास. तो वो अपनी नेचुरल एक्टिविटीज में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वो छुप जाएगा लॉन्ग ग्रास के पीछे नियर द वॉटर बॉडी सो दैट ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड. कि क्योंकि उसका फूड है, खाना है उसको, भूख किसको नहीं लगती, सबको लगती है. तो अगर वो नेचुरल हैबिटेट में आएगा तो कहीं भी जो है ग्रास के पीछे, लंबी लंबी घासों के पीछे छिप के जो है पानी जहाँ पे वाटर बॉडीज हो, क्योंकि वाटर बॉडीज में क्या है, उसे पता है कि जानवर जो है वहां पे क्या करने आएंगे, पानी पीने आएंगे. और जब पानी पीने आएंगे तो वो एकदम से उनके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट. तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताने की कोशिश करी है कि द पोएट सेज दैट, तो लेस्ले नॉरिस सेज दैट इफ दिस टाइगर वॉज फ्री ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ कहाँ पे, बिहाइंड लॉन्ग ग्रास. लंबी लंबी घास, घास जो है उसके पीछे छिप जाएगा. और ये कहाँ पे कर सकता है, वह जहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, सो दैट ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड, राइट. कि कोई जो है प्लम, जो है प्लम मीन्स मोटा फ्लैशी जो है डियर आए पानी के पास और वो जो है उसके ऊपर अटैक करे. बेसिकली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इज टू लिव in jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. अगर हम उसको केज में रखेंगे बच्चों, अब देखो कंपेयर कितना ब्यूटीफुली कंपेयर करा है नेस्ले जो है लेस्ली नॉरिस ने ब्यूटीफुली कंपेयर करा है कि किस तरह अगर जू में है या केज के अंदर है तो क्या वो ये एक्टिविटी कर सकता है, नहीं कर सकता. क्या वो वाटर बॉडीज के पास जा सकता है, नहीं जा सकता. क्या वो अपने प्रे को पकड़ सकता है या डियर को कैच कर सकता है, नहीं कर सकता. क्योंकि वहां पे जो उसका मालिक है वही जो उसको देगा, वही वो उसका फूड होगा. बट यहाँ पे वो अपनी इच्छा से जो है कहीं भी आ जा सकता है जंगल में, एनी वेयर एनी टाइम,
whenever he wants, जब भी चाहेगा तभी जा सकता है वो. तो बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो. परंतु अगर हम उसको कैद करके रखेंगे तो ये वाली एक्टिविटीज जो है पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है. क्लियर? बट अगर जंगल में उसको छोड़ते हैं तो किस तरह से जो है वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छिप सकता है नियर द वॉटर बॉडी सो दैट ही कुड इजीली कैच द प्रे या कैच अ डियर. बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से, एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर, जो एक्चुअल लाइफ है टाइगर की, वो कहाँ पे है? जंगल में. व्हेन ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट. और ये वाली एक्टिविटीज जो है वो जंगल में, सॉरी, केज के अंदर नहीं कर सकता. कर सकता है बच्चों? नहीं कर सकता. जो काम अगर हम आपको जो है एक जो है प्रिजन के अंदर रख दें या ताला डाल के रख दें रूम के अंदर, तो आप वही काम करेंगे जो उस रूम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं. या आपका जो है जिसने आपको जो है कैद करके रखा है, अगर वो जो आपको ऑर्डर देंगे ये करना है, जो खाने के लिए देंगे वही खा सकते हैं आप, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते. बट अगर आप घर में हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जब मर्जी खा सकते हैं, जब मर्जी जो है घूम सकते हैं, राइट? तो सिमिलरली अगर हम इसको केज में रखेंगे तो उसके पास लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लिमिटेड एरिया है टू मूव. यहाँ पे देखें कितना खुश दिखाई दे रहा है टाइगर इन द पिक्चर, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि तो यहाँ पे देखो किस तरह से लर्किंग कर रहा है. लर्किंग क्यों कर रहा है? लर्किंग मीन्स हिडन. क्यों कर रहा है? हिडन टू प्रॉल, अपने जो है प्रे को जो है कैच करने के लिए जो है यहाँ पे वो नियर वाटर बॉडीज जो है यहाँ पे छिपा हुआ है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि जो भी पढ़ाया है समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी इन द थर्ड स्ट्रेंजर. थर्ड स्ट्रेंजर, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. स्नॉर्लिंग मीन्स जो है साउंड निकालते हैं वो अराउंड द हाउसेस. अब अगेन जो है ये स्ट्रेंजर कहाँ का है बच्चों? क्या ये केज के अंदर है या नेचुरल हैबिटेट में? राइट? He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब obvious है जो यहाँ पे जो words लिखे हैं, तो ये क्या बताते हैं, क्या indicate करते हैं? क्या case के अंदर है tiger या कहाँ पे natural habitat में? तो obvious है कि अगर वो case में होगा तो वो terrorize नहीं कर सकता, विलेज के लोगों को डरा सकता? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. क्या वो अपने जो है फैंग, फैंग मीन्स जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखो कि मुंह खुला हुआ है, माउथ ओपन है, और जो है इसके दांत है, जबड़े पूरे दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज. तो मुंह खोल के पूरा जबड़ा दिखा रहा है, डरा रहा है, तो क्या ये केस के अंदर कर सकता है? नहीं कर सकता. तो इट मीन्स यहाँ पे जो टाइगर की बात हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? जंगल में. तो फर्स्ट स्ट्रेंजर जो है केस के में बात है, उसको कैद करके रखा था. सेकंड स्ट्रेंजर कहाँ था? उसके नेचुरल हैबिटेट में था. एंड अगेन थर्ड स्ट्रेंजर जो है उसका क्या है? नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल. क्लियर? स्नॉर मीन्स होता है टू ग्रोल. स्नॉर का मतलब होता है ग्रोल. नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है फैंग. नेक्स्ट इज योर फैंग. सेकंड इज योर फैंग. रूट ऑफ द टूथ, पूरा मुंह खोल के दिखाना, तो यहां पे लिखेंगे हम रूट ऑफ द टूथ.
मतलब पूरा जो है उसका जबड़ा जो खोल के दिखाते हैं उसको बोलते हैं फैंग्स. क्लियर? टेररिजिंग मीन्स डराना उनको. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है, लेस्ली नॉरिस ने, स्नॉल स्नॉलिंग फैंग्स. तो ही शुड बी स्नॉलिंग, तो ही इज यूज फॉर टाइगर. तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि टाइगर को जो है अगर हम फ्री कर देते, जैसे अभी पहले वाले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसको जो है अगर फ्री करते हैं तो क्या एक्टिविटीज करता है, किस तरह से अपना प्रे करता है, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड एरिया है, पूरा फॉरेस्ट है, किस तरह से कोई भी वाटर बॉडीज के पास जाके जो है वो अपने प्रे पे अटैक कर सकता है. राइट, नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नॉलिंग. अब वो कह रहे हैं कि अगर पोएट कह रहे हैं कि अगर हम टाइगर को फ्री छोड़ देते हैं, राइट, तो क्या करता है वो, ही वुड हैव स्नॉल्ड अराउंड द हाउसेस. तो वो क्या करेगा, क्योंकि जंगल का राजा है, कहीं भी जाएगा, राइट, तो जंगल में क्या अनलिमिटेड एरिया है, तो वो कहीं भी किसी भी कोने में जा सकता है, कहीं पे भी जो है हाइड कर सकता है, अपने आप को छुपा सकता है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस तरह से अगर वो एट द जंगल्स एज, अगर जंगल के किनारे पे, क्योंकि हमारे क्या है हैबिटेट, लोग कहाँ रहते हैं, जंगल के किनारे भी बसे रहते हैं, तो ये क्या करता है टाइगर, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो जितने हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट क्या है, जंगल है या फॉरेस्ट है, तो अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, तो जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो अपने खाने को ढूंढने के लिए कहाँ वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाते हैं, एट द जंगल्स एज, किनारे पे पहुंच जाते हैं, जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, और वहां पे किसको डराते हैं, वो जो हाउस बने हुए हैं जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहां पे जो है अपने फैंग्स को, अपने दांतों को, अपने जबड़े को दिखा के जो है, और अपने क्लॉज को दिखा के टेररिजिंग द विलेज, गांव में जो वहां पे गांव बसे हुए हैं, एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के किनारे लास्ट में जो है जो घर बने हुए हैं वहां पे जो लोग रहते हैं उनको क्या करता है, वो टेररिज करता है, डराता है, कौन, टाइगर. तो अगर यहाँ पे पोएट ने फर्दर ये सेट की अगर हम टाइगर को फ्री कर देते हैं तो किस तरह से जो है वो अपने प्रे को फ्रीली जो है कैच कर सकता है. सेकंड उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मूव कर सकता है आउट स्कर्ट्स, मीन्स किसी भी कोने में कहीं पे भी जो है जंगल के बाहर जा सकता है, और जो है वो किसको टेररिज कर सकता है, पीपल को. द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, ही वुड हैव स्नॉर्ड अराउंड द हाउसेज, वहां पे दहाड़ेगा, क्या करता है टाइगर, क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है, राइट, तो वो स्नॉर्ड करता है अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट मीन जंगल के बाहर ऑफ द फॉरेस्ट, ही वुड टेररिज पीपल विद हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज, दिस वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस. तो बच्चों आज हमने पोएम पढ़ी है, थर्ड पोएम है टाइगर इन द ज़ू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, और किस तरह से हमने बताया कि उन्होंने जो है दो सिचुएशंस को जो है यहाँ पे कंट्रास्ट किया है, ए टाइगर इन द ज़ू और ए टाइगर इन द इन हिज नेचुरल हैबिटेट. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी जानवर को, कोई भी हो, चाहे टाइगर हो या अदर कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, अगर हम उसको जो है केज में रखते हैं या जू में रखते हैं, तो हम अपने किसके लिए रखते हैं, अपने फन के लिए रखते हैं, अपने प्लेजर के लिए रखते हैं, और किस तरह से हम जो है उसके लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जो है स्ट्रेंथ होती है, और अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता किस तरह से फ्रीली जो है वो मूव कर सकता है, राइट. तो इसी को जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पोएम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.